मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेबी ब्लूमर। बेबी ब्लूमर की ड्राफ्टिंग में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है उसका नाप क्या है। पूरी लंबाई है 12 इंच और हिप है 24 इंच। इतना इस नाप के अनुसार हमें एक ड्राफ्ट बनाना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लेना है पूरी लंबाई। जहां हम पूरी लंबाई लेंगे वो हमारा होगा बंद भाग, यानी कि बंद कपड़ा, ज्वाइंट कपड़ा, ठीक है। ये हमारा बंद भाग है। ए ओ पूरी लंबाई 12 इंच हमारा तैयार है, तो उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। 3 इंच हमें इसलिए प्लस करना है कि क्योंकि 1.5 इंच हम ऊपर लास्टिक लगाएंगे, ठीक है, और 1.5 इंच हमें नीचे से मोड़ने के लिए चाहिएगा, इसलिए हमने 3 इंच इसमें प्लस किया हुआ है, ठीक है। ओ भी लिया, हिप का चौथा हिस्सा यहाँ पे हम लिखेंगे, हिप का चौथा हिस्सा प्लस में 3 इंच। आपको 4 और 3 साथ नहीं करने, हमें लेना है हिप का चौथा हिस्सा। जितनी भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करना और उसमें 3 इंच प्लस करना है। तो हमारी 24 हिप है, 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6 प्लस में 3, 9। हमारा कितना हो गया 9 इंच। तो हमें यहाँ पे चौड़ाई लेनी है कपड़े की 9 इंच। ओ बी लिया हमने 9 इंच। बी सी 1.5 इंच, ये हमारा लास्टिक डालने के लिए है, ये हमने लिखा 1.5 इंच लास्टिक डालने के लिए, ओके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेना हमें बी ई, हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 1 इंच। हिप है हमारी 24 इंच, 24 का हमें तीसरा हिस्सा लेना है। तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 24 का 3 8 24 8 और 1 9 इंच। तो ये हमारा हो गया 9 इंच। ये इसके आसन की लंबाई है 9 इंच। अब देखिए, ई से एफ, ई एफ हिप का बारवा हिस्सा। हिप चाहे जितनी भी हो, हमें एक ही फार्मूला यूज करना है, जिसमें इसमें तीन तीसरा हिस्सा प्लस 1 किया, इसमें चौथा हिस्सा प्लस 3 किया, और यहाँ पे हमें करना है हिप का बारवा हिस्सा। 12 × 24 2 इंच, 2 इंच हमारा हो जाएगा। अदरवाइज हमारी मान लीजिए किसी बड़े के लिए बनाना हो, उसकी मान लीजिए 36 इंच की हिप है, तो उसके लिए हमें करना होगा हिप का तीसरा हिस्सा, बारवा हिस्सा। तो 12 × 36 उसका हो जाएगा 3 इंच, और हमारी हिप 24 इंच है, तो हमारा हो रहा है 12 × 24 2 इंच, ठीक है। इसको यहाँ पे नीचे मिला दिया, सीधा मिलाया हमें स्केल की सहायता से, और यहाँ से हमें इसकी गोलाई दे दी है, ठीक है। ये हमारी गोलाई हो गई, ये हमारा बारवा हिस्सा हो गया, हमारा 2 इंच हो गया। हमें अब इसकी गोलाई देना है, ठीक है। ये हमने इसकी गोलाई कर दी है। अब हमें इसकी थोरी लिखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया पूरी लंबाई 12 इंच प्लस 3 इंच 15 इंच, ओ बी हिप का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच, ये हो गया चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच। अब देखिए, बी सी 1.5 इंच, यहाँ पे लिखेंगे हम 1.5 इंच लास्टिक डालने के लिए। ये हो गया हमारा लास्टिक डालने के लिए। और बी ई लिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे बी ई हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 1 इंच। ई से एफ 1.5 इंच, सॉरी ई एफ हिप का बारवा हिस्सा। इसका भी हमने नाम नहीं लिखा था, जे के 1.5, ठीक है। ये हो गया हमारा हिप का बारवा हिस्सा। अब देखिए, जे से जी 1.5 इंच, और बी आई 1.5 इंच शेप देने के लिए, ठीक है। ये हमारा ड्राफ्ट है, और ये अब हमने इसकी छोरी भी लिख दी है। ये लिखा है हमने बी आई 1.5 इंच शेप देने के लिए, ये हमें यहाँ पे लेना है बी आई 1.5 इंच शेप देने के लिए। ये शेप हमें सब में देनी है, लगभग जो भी जेंट्स कपड़े होते हैं, जैसे पजामा हो गया, पैंट हो गया, इस तरह के जो भी कपड़े हैं, ब्लूमर हो गया, कैप्री, कुछ भी है, उसमें हमें यहाँ पे 1.5 इंच की शेप देनी होती है, ठीक है। ये आई बी आई 1.5 इंच और आई को ई से मिलाया, यहाँ पे हम लिखेंगे आई ई को मिलाया। और ये हमारा था 1.5 इंच मोड़ने के लिए। इसमें हमने 3 इंच इसीलिए ऐड किया था क्योंकि हमें 1.5 इंच यहाँ पे लगेगा और 1.5 इंच हमारा ऊपर लास्टिक में जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे U3G लर्निंग में आपको ब्लूमर का ड्राफ्ट पसंद आएगा। थैंक यू।